याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और सबसे बेशरम चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है, और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब। ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है, सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिए। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी दो रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने। नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। जब भी हमारे देश में पढ़ने के मामले में, पढ़ाने के मामले में जिक्र होता है, शिक्षक के बारे में जिक्र होता है, तो हम भले ही झारखंड से हैं, लेकिन मैं बिहार के पटना के खान सर का बहुत बड़ा फैन हूं। उनके पढ़ाने का तरीका, बात करने का तरीका, जब वो पढ़ाते हैं ना, जब कुछ खास खास टॉपिक पे बात करते हैं ना, तो दिल को छू जाता है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों कपिल शर्मा के शो में खान सर जो है वो आए थे, और कुछ बात उन्होंने कहा जो मेरे दिल में चुभ गया दोस्तों। मैं वो बात अब तक शेयर करना चाहता हूँ, और सलाम करता हूँ ऐसे सर को जो गरीबों को इतना मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, कम फी लेते हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए पैसे बीच में अड़चन नहीं आने देते हैं। सलाम करता हूँ ऐसे सर, सलाम में करता हूँ। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था, और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे।